माता पिता को गोली मारकर सनसनी फैला देने वाले सैनिक को 3 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। माता पिता की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक लौरा थाना अंतर्गत पिड़रिया गांव में मंगलवार की शाम 6 बजे सेना के जवान अभिषेक पांडे 29 वर्ष ने अपने माता पिता अंबिका पांडे 52 वर्ष और माता शीला पांडे 48 वर्ष को लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से 2-3 फायर कर दिए। इस वारदात में पिता के दोनों पैरों में गोली धंसी है, जबकि मां के हाथ और पैर पर गोली के गहरे जख्म हैं। सेना के जवान द्वारा फायरिंग की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मां बाप को एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल मऊगंज में दाखिल कराया। लेकिन गोली के गहरे जख्मों को देखते हुए मंगलवार की रात करीब 10 बजे चिकित्सकों ने रीवा के संजय गांधी स्मिथ हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। समीपी ग्राम मटियारा में 5 साल पहले उसका विवाह हो गया था, जिसके 2 साल का बेटा था, लेकिन 8 माह पहले वह सेना से लौटा तो वापस नहीं गया। घर वालों का दावा है कि उसका मानसिक संतुलन बीते कई माह से सही नहीं चल रहा था। अक्सर कुछ न कुछ हरकतें करता रहता है, जिससे घर वाले परेशान रहते थे। आराम नहीं होने पर परिजन करा रहे थे टोना टोटका हुआ झाड़ फूंक। अभिषेक की हरकतों से परेशान पिता अंबिका पांडे और माता शीला पांडे पहले शुरुआत में झाड़ फूंक कराया था, लेकिन जब आराम नहीं हुआ तो टोना टोटका कराने लगे। इस बीच समय समय पर विभिन्न गुनियों का सहारा लिया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसने कहा कि हमारा हिस्सा बांट कर दो, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति और बहू पोते को देखते हुए ऐसा नहीं किया। कुछ देर बाद उसके अंदर सनक सवार हो गई। वह कमरे के अंदर गया और 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक निकाल कर हमारे ऊपर तान दिया। देखते ही देखते गोली मार दी। माँ बीच बचाव करने दौड़ी तो उसको भी गोली मारकर जख्मी कर दिया। परिवार के सदस्य कई बार अभिषेक को मंदिरों में ले जाकर देवी देवताओं का प्रसाद खिलाकर तहवीज भी दी थी, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। माँ बीच बचाव करने दौड़ी तो उसे भी मार दी गोली। घायल पिता ने मऊगंज अस्पताल में पुलिस को दिए बयान में बताया है कि वह शाम के समय जमीन को लेकर विवाद कर रहा था। उसने कहा कि हमारा हिस्सा बांट कर दो, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति और बहू पोते को देखते हुए ऐसे नहीं किया। वारदात के बाद आरोपी सैनिक लाइसेंसी बंदूक लेकर अपनी ससुराल मटियार चला गया था। इधर मां बाप को गोली मारने की घटना के बाद लौरा पुलिस हरकत में आ गई। एक टीम घायलों को लेकर मऊगंज अस्पताल पहुंची, जबकि दूसरी टीम आरोपी को गिरफ्तारी में लग गई। वारदात को लेकर लौरा थाना प्रभारी ने आल अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद कुछ गांव वालों ने बताया कि आरोपी सैनिक बंदूक को लेकर ससुराल की ओर गया है, जहाँ उसको घेराबंदी कर बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया गया है।